तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे जिला संयोजक जी जो कि मनोज है, और इसी प्रकार हमारे दूर दराज से आए हुए क्रम में आगे बढ़ूंगा मैं। हमारे ठंडा प्रदेश से कुछ मेहमान कलाकार आए हुए हैं, राम सिंह किसान जी, वो जहाँ कहीं भी होंगे। सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करूंगा सूरजपुर ब्लॉक अध्यक्ष हमारे भोलेलाल जी, वो अपने चंद शब्दों से कार्यक्रम को संबोधित करें। और बहुत धन्यवाद। भारतीय कलाकार संघ, छत्तीसगढ़ पेंटर चित्रकार कल्याण संघ, बोले के कलाकार साथियों की आप सभी आज परम सौभाग्य की बगीचा के इस सुंदर पर्यटन स्थल राजपुरी में आप सभी के अथक सहयोग से सारे कलाकार साथियों का सम्मेलन रखा गया, जिसमें हमारे भी समस्त मंचस्थ अतिथि यहाँ जितने भी बगीचा जशपुर और लगभग सब पधारे हुए कि मेरे बिना इस बिल्डिंग का बिल पास नहीं हो रहा है। मुझे कितना बड़ा अपने आप पर गौरव होना चाहिए मेरे कला का, लेकिन वहां लिखने के बाद मात्र 2-4-5 सौ में तोल दिया जाता है, जबकि वो 10 लाख का बिल्डिंग हो, 20 लाख का बिल्डिंग हो, लेकिन 2-4-5 सौ में हम लोग को तोल दिया जाता है। और शासन द्वारा ग्राम पंचायतों में, नगर पंचायतों में अनेक प्रकार की राइटिंग कार्य एवं चित्रकारी करवाया जाता है, लेकिन कमीशन खोरी की वजह से ठेकेदारों को दे दिया जाता है, जो कि ठेकेदार बरस पकड़ने तक नहीं जानता है, कि मेरे को बरस कैसे पकड़ना है, कि कौन कैसे लिखाता है, लेकिन हम लोग उनके गुलाम हो जाते हैं। तो मेरे साथियों, मैं आप सभी से यही चाहूंगा कि ठेकेदारों के चंगुल मुक्त होइए, तभी हमारा ये मंच आप सभी को, हम सभी को जो हम सोच विचार बनाए हैं वहां तक पहुंचाने में सफलता हासिल करेंगे। और बहुत सारे वक्ताओं हैं हमारे प्रदेश के सचिव महोदय जी आपके बीच के लिए है। मेरे सारी जीवन आप सभी को हमेशा बताते रहते होंगे और मुझे मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष प्रेरणा जी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों से सम्मिलित किया है। बहुत अच्छी जानकारी, बहुत विजय भाई जी, टीका लाल, फूलेलाल जी, राम सिंह किसान जी, बोलते संतोष भाई जी एवं मामा भाई जी, ये हमारे आज के पदाधिकारी सबको धन्यवाद कि आपने प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी टीम को यहाँ तक लाए। मैं थोड़ा सा विषय के बारे में बाद में चर्चा करूँगा। अभी से ये बताना चाहूँगा कि बारिश के दिनों में बारिश होते हुए भी आपने दूर दराज से किसी ने बाइक में कहा कि आप लोग एकजुट हैं और हमारी बातों का या तो कदर करते हैं, इज्जत करते हैं या फिर एकजुटता की भावना दिखाते हैं। हमारे बैंकरों की समस्याओं से ऐसा कोई मतलब नहीं है, चाहे वह नया है, छोटा है, बड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बैंकरों की जो वास्तविक समस्या है उससे सब कोई जूझ रहे हैं और सब कोई को पता है कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। और हम उस मछली की तरह हैं जो बिना पानी के तड़प रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। हमको कोई भी उठाकर पानी में रखने वाला सफल अभी तक हाथ में नहीं आया है। क्या हम लोग अभी प्रधानमंत्री योजना को ही है, प्रधानमंत्री योजना में विश्वकर्मा योजना जिसके लिए हम लोगों ने काफी प्रयास किया, प्रदेश स्तर से लेके मतलब राष्ट्रीय स्तर तक, भारत स्तर तक प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखा। आप लोगों को भली बात परिचित है कि सभी प्रमुख भाई बहन विशेषकर हमारे जशपुर जिला के सभी ने अपनी अपनी सहभागिता दिखाई, सबने पत्र लिखा और उसकी फोटो भी आई। लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि किसी का सुनवाई हुआ हो। अगर किसी के पत्र का कोई जवाब आया हो, एसएमएस आया हो, तो हाथ खड़ा करके बताएं। किसी के पास एसएमएस के माध्यम से उसका जवाब या फिर फोन करके आया क्या है? मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास उसका जवाब आया था और मैं उसको ग्रुप में सेंड किया, कई लोग देखे, कई लोग नहीं देखे। मेरे पास पर्सनली प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन भी आया था, लेकिन वो फोन कॉल हमारे समाधान का नहीं था। वो सिर्फ ये बताने के लिए फोन आया था कि हमने आपका पत्र प्राप्त किया और उसको संबंधित विभाग को ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं? मैंने कहा नहीं। मैंने कोई गलत कहा? केवल पत्र को सामने भागकर कर देने से हम संतुष्ट अगर होते हैं तो हमारा काम हो गया। पत्र में ये लिखा गया, उसका जवाब बोल तो हम ग्रुप में डाला हूँ, अगर किसी ने देखा होगा तो उसमें ये लिखा है कि क्या था भाई, एक शब्द था निस्तारण किया था। उसको हमने समझने का कोशिश किया, भले हम लोग हिंदी बातें हैं, लेकिन उस निस्तारण को समझने का कोशिश की कि वो निस्तारण क्या है। जब गूगल चला से पूछा गया निस्तारण क्या है तो उसका डिस्को दिखा, मतलब हमारे मामा पापा को डस्टबिन में फेंक दिया गया। हमको क्या समझना है निस्तारण शब्द का लेकर उसको मैं ग्रुप में डाला हूँ कि आपका पत्र आया है और उसको निस्तारण किया गया। तो उस निस्तारण शब्द को जब हम लोग गूगल में ट्रांसलेट करके भेजे तो डिस्को मतलब हम लोग डिस्को के पीछे फेंकते। तो हम लोग को ये समझना है कि वो डिस्को से फेंक दिया। तो और दूसरा कोई माध्यम मैं बोला कि हमारी बातें कहाँ सुनी जाएगी, वहाँ का प्रभाव। तो सोनी सर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, ऐसा बोलते। अब मैं उससे आगे क्या कर सकता? वो उसके लिए तो फिर कल परसों में लिखा, आज अगर जो लोग ऐसा करना चाहिए। आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो वहाँ जाना चाहिए, आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो वहाँ जाना चाहिए। मैं उस पक्ष में नहीं है, क्योंकि जिन जिन लोगों ने इस तरह का कार्यक्रम को करीब से देखा है और शामिल हुआ है वो बता सकते हैं कि वहाँ पर जाने से भी कोई सुनवाई नहीं होगा। मतलब वहाँ बड़े बड़े नेताओं का जो बड़े बड़े पहुँच पाते हैं, बड़े बड़े ठेकेदार ही मंत्री के पास पहुँच पाते हैं। हम जैसे लोगों को एक बनाने दिया जाता है। हाँ, हम लोग भेंट मुलाकात में जैसे मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं तो उठो तुम बोलो सवाल को, तो आपका परिवार उससे चलने वाला है, कैसे देखिएगा? आपको मान लीजिएगा, आपका बीवी कैसे मानेगी? उसको खाना पीना कैसे दीजिएगा? बच्चा है, स्कूल जाना है, ले जाना है। बोले 21वीं सदी में खर्चा बहुत है, मोबाइल को चाहिए आदमी है, पेट्रोल कहाँ से भरा है? इसलिए सबसे पहले काम का जब आप लोग करते हैं बड़ा काम है, पहले पहले बोल दीजिए हमारे पास कलर सही है, जाना पड़ेगा। देखा जाएगा आपके नहीं देखा तो दूसरे के पास जाएगा, दूसरा भी वही बोलेगा, कहाँ जाएगा? आखिर किसी न किसी भाई को नहीं देगा। तो अपने मान के खाने में बुराई है, सीख के खाने में बुराई है, मानिए बोलिए। तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। खाने में मगन है, नहीं दिखेगा। चलो ना भाई, खाने के लिए मजा आ रहा है। जो कोई पेंटिंग दिया रहता है उसमें उस टाइप का होना चाहिए। जोरदार खा गया में आचार है। भैया और एक चम्मच डालिए, दिए रही चाहिए भैया अपना है खाइए दोगे दाल रहे दाल बाकी बाद में उठाना पड़ेगा। मिर्चा लगाइए, मिर्चा सलाद ले लीजिए। सलाद खत्म हो गया तो है, तो लाइए नहीं और लाइए यार और सब्जी आइए। बढ़िया लग रहा है ना? हां एकदम मजे में। खाने में क्या क्या मिला है? चिकन मिला है, सलाद मिला है, अचार है, हरा सब्जी है। मटन नहीं खा रहे हो? मटन नहीं खा रहा हूँ, चिकन खा रहा हूँ। और तुम भाई साहब क्या कर रहे हो? मैं भी चिकन मटन दोनों खा रहा हूँ। दोनों लिए हो? बढ़िया है। मैं तो भाई सादा सादा वाला आदमी, देखते हैं खाते हैं बढ़िया से। काफी मजा लग रहा है खाने में। खाने में मजा आ रहा है दोस्तों, मस्त टेस्टी है एकदम। खाने में टेस्टी रहा मटन और ये सब खा रहे हैं। ये है चिकन, हाँ चिकन मटन दोनों है यहाँ पर भी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।